गाइस, मैं खुशी रो आपका स्वागत करती हूँ हैजी न्यूज में। बरसों पहले दफनाई गई यहाँ पर लड़की और अभी तक भी आ रही है उसकी कब्र से खुशबू। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और कभी ना कभी आपको इसको कंफ्यूज भी हो सकते हैं और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इन सब चीजों के ऊपर बिलीव भी करते हैं। तो चलिए पहले पूरा मामले के बारे में जानते हैं, मेरे साथ बने रहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। यमन के बाहर से हमारे सामने ये खबर आ रही है जहां पर एक्चुअली एक लड़की की कब्र से लगातार खुशबू आ रही है। अभी आप लोगों को पता है कि ऐसे रहस्य हैं जिसके पीछे कभी बोला जाता है कि नेगेटिव पावर है, यानी कि भूत है, या कभी किसी के शक्ति के पीछे माना जाता है कि देवी शक्ति है। और इनमें से अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार रहता है। कोई एक्चुअली इन सब चीजों के ऊपर बिलीव नहीं करता और कोई ये दावा करता है कि उसने भूत देखी है, उसने भगवान देखा है। ये सब चीजें होती है। आप में से कितने लोग हैं जो कि बिलीव करते हैं इन सब चीजों के ऊपर और आप में से कितने लोग हैं जो कि बिलीव नहीं करते? अगर आप नहीं करते तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आप करते हैं तब भी आप बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। तो यमन में एक्चुअली एक ऐसा शहर है जहां पर एक कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान में कुछ साल पहले एक लड़की जिसकी एज 20 साल थी उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उसको दफना दिया गया था। और दफनाने के बाद वहां पर कब्रिस्तान में हर वक्त सब लोग जाते रहते थे अपने परिजनों को मिलने के लिए जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और वहां पर जाते रहते थे। पर वहां पर एक लड़की की कब्र से लगातार इतनी अच्छी खुशबू आती थी कि लोग इसके पीछे टेंशन में आ गए कि एक्चुअली में उसके अंदर है क्या ऐसी चीज जो कि वो लड़की की कब्र से आ रहा है, इतनी क्या खुशबू है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो कि इंसान मर जाता है उस अगर वो कब्र के नीचे है तब भी वो उसकी जो बॉडी रहती है वो कंकाल में बदल जाती है और वो बाहर बदबू और खुशबू नहीं आ सकती है। पर मिट्टी के बाहर भी खुशबू आ रही थी, ये काफी ज्यादा समझने वाला, मतलब कि काफी ज्यादा टेंशन में डालने वाला ये मोड़ बन चुका था। और उसी दौरान वहां के लोगों ने ये चीज बताई कि कुछ महीने पहले वहां पर बहुत तेज बारिश आई थी, मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी बूंदे थी कि जो कब्रिस्तान में पड़ी थी, जब बारिश पड़ी तब उस दौरान वहां की जो मिट्टी थी उसने मिट्टी के अंदर से शवों को बाहर निकाल के रख दिया। मतलब कि बारिश के प्रेशर से जितनी भी बॉडीज थी वो बाहर निकल गई। वहां पर जितनी भी बॉडी थी उनका मतलब कि जो बॉडी जो स्किन था वो शव में बदल चुका था, यानी कि बोन्स में बदल चुका था, उनका जो मांस था वो एकदम खत्म हो चुका था। और उसी दौरान ये जो लड़की थी इसका भी शव आया, और ये लड़की हूबहू वैसी ही थी जो कि कुछ साल पहले दिखाई देती थी। मतलब कि इसकी बॉडी को कुछ हुआ ही नहीं था, इसकी बॉडी गली तक नहीं थी और इसकी बॉडी में से काफी अच्छी खुशबू तक आ रही थी। तब उस दौरान लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए और इस चीज का साइंटिस्ट भी अभी तक पता नहीं लगा पाए। और उस दौरान ही उस लड़की का जो शव था फिर दोबारा से दफनाया गया, और अभी भी ये एक ऐसा रहस्य बना हुआ है और लोग कहीं ना कहीं ये देवी शक्ति मानते हैं और कहीं ना कहीं ये भूत शक्ति भी मानते हैं। तो गाइस आपको क्या लगता है इसके पीछे का राज क्या हो सकता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।